हेलो फ्रेंड्स, आगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तो आज आप मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो सेंसीवेरिया प्लांट, स्नेक प्लांट भी इसको कहते हैं। इसकी केयर के बारे में बात करेंगे और इसे ग्रो करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये तीन तरीके की वैरायटी हैं। ये वेरीगेटेड लीफ है, इसके जो एजेस हैं, जो बॉर्डर है वो येल्लो कलर का है, कुछ इस टाइप की इसका शेड है। सेकंड जो है ये नॉर्मल, जो हमें इजीली अपने आसपास नियर बाय मिल ही जाता है, ये वाला सेंसीवेरिया है। और थर्ड नंबर पे ये ड्राफ्ट वाला है। और इसी में ही ये वाला, इसका भी ड्राफ्ट होता है। ये जो है ये इसका ड्राफ्ट है। काफ़ी सारी सेंसीवेरिया की जो हैं वैरायटी हैं जो मुझे अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग काफ़ी सारे सेंसीवेरिया की वैरायटीज़ कलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी चलिए पहले केयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये सभी तरीके के एटमॉस्फेयर में ग्रो हो जाता है, बस ये ज़्यादा वार्म, ज़्यादा गर्म एरियों में नहीं ग्रो पाता है। ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं पसंद है, शेडी एरिया इसको पसंद है। और ये किसी भी तरीके के पॉट में ग्रो किया जा सकता है, चाहे वो सिरामिक का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो टेराकोटा का हो या सीमेंट का हो। तो इजीली ये सभी में ग्रो हो जाता है। और उसकी सॉइल के बारे में बात करें तो ये थोड़ी बालुई और मिट्टी पसंद करता है, मॉइस्ट सॉइल पसंद करता है। और इसको हम लोग इंडोर भी इस प्लांट को रख सकते हैं। इंडोर ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, साथ ही साथ इसे हम लोग वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। और प्रोपोगेट की इसकी बात करें तो ये जो है कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। इसकी जो लीफ है उसको कट करके आप प्लांट को ग्रो इजीली कर सकते हो। तो मेरा ये वाला जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। मैंने मतलब एक ये स्टेम मुझे ऐसी मिली थी, एक लीफ, मैंने उसके काफ़ी सारे कट करके अलग अलग लगाए, तो उसमें से सिर्फ मेरा ये एक ही प्लांट ग्रो हुआ, बाकी सारे जो हैं गल गए। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइए, उसमें से 1-2 तो कम से कम होगी ही होगी। उसके बाद जो है ये इस टाइप से इसके रनर्स निकलते हैं, आप इसको रनर से भी ग्रो कर सकते हो इजीली, रनर से भी इजीली इसको ग्रो किया जा सकता है। और देखिए इसमें भी जो है रनर्स निकलते हैं, सेम ये भी इसी तरीके से कटिंग आप इसकी ग्रो कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, और जो है इसको ज़्यादा रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ये रूट बाउंड नहीं होता है, बस रूट बाउंड की जगह जो है ये अपने प्लांट्स इतने प्रपोगेट कर देता है कि इसमें स्पेस नहीं रहता है वाटर को देने के लिए। अभी तो काफ़ी स्पेस है, लेकिन इतने सारे इसके रनर्स ग्रो हो जाते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी इनको हटाना पड़ता है, दूसरी जगह लगाना पड़ता है या और किसी को देना पड़ता है। और इसमें साथ साथ देखिए एक मनी प्लांट भी ग्रो हो गई है, और ये मेरा काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पर है, इसको 1 ईयर के करीब हो चुका है। इसको हम और बड़ा पॉट देंगे तो ये और ज़्यादा जो है रनर्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारे रनर्स हटा दिए थे अभी थोड़े टाइम पहले, क्योंकि स्पेस बहुत कम था। तो और ये देख सकते हो कि अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। और आप इसको 1-2 दिन या 5 दिन भी आप पानी देने में लेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस ये थोड़ा हार्डी हो जाएगा, सॉफ्टपन इसमें नहीं रहेगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप चाहे तो इसे इंडोर रख सकते हैं, नहीं तो आप जो ऐसे सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसको मिले, बाकी की शेड में रहे, तो कोई प्रॉब्लम वाली जो है इसको बात नहीं है। आप इसको किसी भी छोटे से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हो। तो मैं आप सब लोग को मेरा ये सेंसीवेरिया प्लांट पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और हाँ, साथ ही साथ इसमें कोई किसी तरीके का पेस्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो है अभी तक कोई भी पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। तो कोई ऐसा हम लोग को इस पर कोई पेस्टिसाइड वगैरह कोई स्प्रे नहीं करना होता है। तो उम्मीद है आप सब लोग को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।